इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। ऑपरेशन नार्को के तहत दादरा नगर हवेली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। दादरा नगर हवेली के एसपी मीना और एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन और उनकी पूरी टीम ने संदिग्ध तत्वों पर नजर रखी थी और सोमवार के दिन समरवणी में मशाक चौकी की टीम की और एएसआई आरडी रोहित द्वारा गश्त के दरमियान स्कूल फलिया क्षेत्र में पाया गया कि कुछ युवक रामू भाई के घर के पास चिकन शॉप के पीछे जमा है और कुछ असामान्य गतिविधि पर संदेह करते हुए चिकन की दुकान की जांच की तो उसमें से 1 किलो 600 ग्राम जितना गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत तकरीबन 16,000 के आसपास है। इस सिलसिले में पुलिस ने प्रदीप रामू भाई पटेल और सुभेश रामकृष्ण दत्ता उर्फ बंगाली को गिरफ्तार कर सीआर नंबर 512/2022 अंडर सेक्शन 8C 20B 2B ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत केस रजिस्टर कर आगे की छानबीन पीएसआई नीलेश काटेकर कर रहे हैं।